जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्लास नाइन्थ के एक एक चैप्टर को पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्लास नाइन्थ के पहले, यानी अगर आप लोग क्लास सिक्स से लेके एट तक की बात करें, तो क्लास सिक्स से एट तक में हम लोग कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े। हम लोग सोशल स्टडीज के सारे दूसरे सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, पर कभी भी हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं। तो क्लास नाइन्थ में ये पहली बार सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। वो चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, है ना। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि इकोनॉमिक्स खुद क्या है। तो अगर एकदम बेसिक बात करें इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। एक क्या है, ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है ये होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन का सिंपल अगर मतलब बोले तो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना या पैदा करना। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है ना ये फार्मिंग करता है, तो ये क्या कर रहा है, क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फार्मर क्या कर रहा है, ये क्रॉप को जब प्रोड्यूस कर रहा है तो इसी को बोला जाएगा कि फार्मर ने प्रोडक्शन किया है क्रॉप का, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को पैदा करना, ठीक। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में वो क्या है, वो है प्रोडक्शन का। वो क्या चीज है, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा चीज हम लोग समझेंगे, दूसरी जो चीज हम लोगों को यहां पर समझने के लिए प्रोडक्शन के बाद वो आती है कंजम्पशन। क्या होती है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, फिर से समझिए। फार्मर ने, एक किसान ने किसी क्रॉप को प्रोड्यूस किया। जब वो फार्मर किसी क्रॉप को प्रोड्यूस किया है और उसके बाद उसने जो क्रॉप को प्रोड्यूस किया उसको हम लोग खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, यही चीज हो जाता है कंजम्पशन, ठीक है। जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यही चीज क्या हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है। फिर तीसरी चीज जो आती है इकोनॉमिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी फार्मर ने क्रॉप को प्रोड्यूस किया था, ध्यान से देखिएगा इसको, जो भी फार्मर ने इस क्रॉप को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और आप या हम इस क्रॉप को कंज्यूम कर रहे हैं या उस क्रॉप को हम लोग कुछ चावल दाल बना के खा रहे हैं, तो हम लोग उसको कंज्यूम किए, फार्मर ने क्रॉप को प्रोड्यूस किया। लेकिन ये फार्मर से, ठीक है, ये फार्मर से, फार्मर के पास से हमारे पास या फिर आपके पास या किसी और के पास ये जो पहुंचा है ना, ये जो पहुंचा है और अलग अलग लोगों के पास पहुंचा, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग पहली चीज क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, है ना, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें पैसे के बेसिस पे होती हैं, ठीक है। ये तीनों चीज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये तीनों चीज किस चीज पे होती हैं, पैसे पे होती हैं, मनी से होती है, मनी के लेन देन से होती है। यानी ये बोला जाएगा जो भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी चल रही है पैसे की लेन देन से, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी,
इसी को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इस इकोनॉमिक्स जो ये सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जो ये सब्जेक्ट है, ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज प्रोडक्शन के बारे में पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े कंजम्पशन के बारे में, दूसरा कंजम्पशन के बारे में, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और ये तीनों चीज हम लोग किस चीज के थ्रू करते हैं, पैसे के थ्रू करते हैं। ये तीनों चीज हम लोग किस चीज के थ्रू कर रहे हैं, पैसे के थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसान अगर क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसान क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सीड चाहिए, है ना, जिससे वो क्रॉप बनाएगा, तो सीड भी वो पैसे से खरीद रहा है। फिर हम लोग फार्मर ने जो क्रॉप प्रोड्यूस किए उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, चावल दाल घर पे लाके बना के खा रहे हैं, तो हम लोग भी कैसे खरीदे हैं, पैसे से खरीदे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फार्मर के पास से हम लोगों के पास तक आ रहा है किसी न किसी चीज के थ्रू, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये भी पैसे के थ्रू ही हो रहा है। तो मिला जुला के सिंपल सी चीज इकोनॉमिक्स के बारे में अगर कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और ये सारी चीजें किससे रिलेट करके पढ़ते हैं, पैसे से रिलेट करके पढ़ते हैं, है ना। तो यही होता है इकोनॉमिक्स, यही चीज क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को अगर कोई पूछे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है अर्थशास्त्र, या फिर जैसे कहते हैं ना देश की इकोनॉमी खराब हो गई है, अर्थव्यवस्था देश की खराब हो गई है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब या इकोनॉमी का मतलब हिंदी में क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है। ये इकोनॉमिक्स जो है ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना। इसमें हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, किस फॉर्म में, मनी से रिलेट करके, ठीक है। तो आई होप इकोनॉमिक्स का आप लोगों को एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट किस चीज से डील करता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें अपनी बुक की, है ना, तो बुक में हम लोगों के चार चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, चैप्टर सेकंड पीपल एज अ रिसोर्सेस, चैप्टर थर्ड पुअर्टी एज अ चैलेंज, और चैप्टर फोर्थ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इन चारों चैप्टर को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन, चैप्टर फर्स्ट जो अपना है उस चैप्टर फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे, और चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर सेकंड पे, चैप्टर सेकंड पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर थर्ड पे, चैप्टर थर्ड पढ़ने के बाद फोर्थ, और ऐसे करते हुए हम लोग क्लास नाइन्थ की जो इकोनॉमिक्स होगी इसको पूरी पढ़ के खत्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हम लोगों को फॉलो कर लीजिए। इन तीनों जगह पे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल होंगे। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप हम लोगों का ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करते हैं, आपको, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे सेंड किया जाता है। सभी चीजों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिखा हुआ है, दे दिए हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो जाइए और जल्दी से इन सारे जगह पे हम लोगों को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे हम लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहली टॉपिक जो आप लोगों के बुक में है वो है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है, इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया हुआ है इस टॉपिक में। देखिए चैप्टर के ओवरव्यू में क्या कह रहा है कि जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें। इस चैप्टर में हम लोगों को टोटली प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या पढ़नी है अपने पहले चैप्टर में, और सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है, हम लोगों को प्रोडक्शन के बारे में सीखना है, ठीक है। अब प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को सीखना है तो प्रोडक्शन के बारे में हम लोग किस चीज से सीखेंगे, तो प्रोडक्शन के बारे में हम लोग एक विलेज के थ्रू सीखेंगे। एक गांव है, उस गांव के थ्रू हम लोग सीखेंगे, इस गांव के एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे कि ये हम लोगों का प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक विलेज है, एक गांव है, इस गांव के थ्रू हम लोग सीखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है। अब जिस गांव के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्शन क्या होता है, उस गांव का नाम क्या है, तो इस गांव का नाम है पालमपुर, है ना, इस गांव का नाम क्या है, पालमपुर। इस पालमपुर गांव के थ्रू, इस पालमपुर के गांव के एग्जाम्पल के थ्रू, या इस पालमपुर गांव के एग्जाम्पल से
हम लोग इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इस पालमपुर गांव के थ्रू हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रोडक्शन क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, क्या पालमपुर कोई रियल गांव है, क्या ये कोई रियल गांव है? नहीं, ये कोई भी रियल गांव नहीं है, ये पूरे तरीके से हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब एक अपने मन से विलेज बना दिया गया है और उस विलेज का नाम रख दिया गया है पालमपुर, और इस पालमपुर गांव के थ्रू आप लोग इस पूरे चैप्टर को सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक विलेज था पालमपुर जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, और ये जो गांव है पालमपुर ये ओरिजिनल गांव नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है। अब ये जो विलेज है पालमपुर, इस विलेज में मैक्सिमम लोग फार्मिंग करते हैं, है ना। आप लोगों का भी गांव होगा, आपके पास भी अपना खुद का गांव होगा, तो अगर आप कभी अपने गांव में जाएंगे तो देखेंगे गांव में खेत वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। तो हर गांव का जो मेन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, फार्मिंग होती है। अगर आप किसी भी गांव में जाके देखेंगे तो उस गांव के मैक्सिमम लोग क्या चीज करते हैं, उस गांव के मैक्सिमम लोग फार्मिंग पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इंडिया के मैक्सिमम गांव में जैसे फार्मिंग होती है, उसी तरीके से पालमपुर जो गांव है यहां पे भी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के या किसी भी और गांव में चले जाइए या फिर आप बात करिए पालमपुर गांव की, तो इस गांव में फार्मिंग के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज होती हैं, फार्मिंग के अलावा भी कुछ और अदर एक्टिविटीज होती हैं। वो एक्टिविटीज क्या है, तो हो सकता है कोई डेयरी खोला हो, यानी डेयरी मतलब जहां से हम लोग दूध वगैरह खरीदते हैं, जो दूध आप लोग पीते हैं, है ना। तो वो दूध जहां से आता है वो डेयरी से आता है, डेयरी में बहुत सारी गाय भैंस एक साथ लगी रहती हैं, वो लोग जो दूध देती हैं वो दूध डेयरी से फिर आप लोगों के घर पे पहुंचता है। तो इस पालमपुर गांव में फार्मिंग तो लोग करते हैं, लेकिन फार्मिंग के साथ साथ डेयरी भी अपनी चलाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के काम में लोग क्या करते हैं, लोग किसी न किसी चीज को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग घर में पूजा करते हो, है ना। पूजा करते हैं तो आप कैसे पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती बनाने की बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री होती है, ठीक है। जो भी अगरबत्ती से आप लोग पूजा करते हैं या धूप जला के पूजा करते हैं, ठीक है, तो ये जो अगरबत्ती वगैरह आप लोग जला के पूजा करते हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री होती है, अगरबत्ती हो गई, ठीक है। या फिर आप लोग देखते होंगे सिगरेट या बीड़ी वगैरह जो लोग गांव के लेबर मजदूर पीते हैं, तो ये सब कहां बनती है, सब गांव में बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं पालमपुर विलेज में, इस पालमपुर विलेज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटी मोटी चीजें बनाते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने पॉट बना दिया, कोई अगरबत्ती बनाया है ना, कोई कप बना के बेच रहा है, तो कुछ गांव के लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है, इस पालमपुर गांव में दो तरीके की एक्टिविटी होती है। पहली तो होती है, पहले कुछ लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग के अलावा दूसरे काम भी करते हैं, जैसे डेयरी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, अगली चीज क्या समझनी है कि क्या यहां पे जो किसान है, ठीक है, क्या यहां पे जो किसान है ये फार्मिंग कर रहा है, पालमपुर का किसान खेती कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। इस पालमपुर के जो लोग हैं, क्या ये लोग डेयरी चला रहे हैं, डेयरी के बिजनेस में है, बिल्कुल है। क्या ये लोग यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां के जो भी लोग हैं वो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं ये लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहा है ये क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो डेयरी है ये मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये लोग पॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर कोई पालमपुर में कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हर कोई गांव में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। अब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को चाहिए होती है वो होती है रिसोर्स, ठीक है।
सभी को क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स के थ्रू ही हम लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं या प्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज। बिना रिसोर्स के हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पारनपुर गांव का जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्या कर रहा है, वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको रिसोर्स चाहिए। क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए इसको कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, तो क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए इसको सीड्स चाहिए, ठीक है। इसको हो सकता है ट्रैक्टर चाहिए खेती करने के लिए, है ना। हो सकता है कि इसको जमीन चाहिए, फील्ड चाहिए, लैंड चाहिए खेती करने के लिए। हो सकता है कि इसको वाटर चाहिए खेती करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सारे रिसोर्स हैं। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, कुछ भी प्रोड्यूस करने में, चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस करें, आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको रिसोर्स की जरूरत होगी। ठीक उसी तरीके से पालमपुर में जो भी प्रोडक्शन चल रहा है, या हर आदमी कुछ ना कुछ जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए उसको चाहिए रिसोर्स, उसके लिए चाहिए उसको रिसोर्स। अब रिसोर्स देखिए, रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमको कहां से मिलते हैं, नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है। जो चीज हमको डायरेक्टली नेचर से मिल जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लैंड चाहिए तो लैंड हमको नेचर से मिल जा रहा है, ठीक है। हो सकता है हमें वाटर चाहिए खेती करने के लिए, तो वो भी हमको नेचर से ही मिल जा रहा है, ठीक। तो नेचुरल रिसोर्स होता है एक। दूसरा रिसोर्स कौन सा होता है, दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स क्या होता है, ऐसी चीज जो इंसान खुद से बनाया है, है ना, ऐसी चीज जो इंसान खुद से बनाया। जैसे ट्रैक्टर, खेती में ट्रैक्टर की जरूरत है, तो ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, एक मैन मेड रिसोर्स हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगला जो रिसोर्स है, वो रिसोर्स कौन सा है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। वो कौन सा रिसोर्स है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। और अगला जो रिसोर्स होता है वो होता है मनी। वो क्या होता है, मनी। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, तो पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, है ना। नेचुरल रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, इस ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे देख लीजिए आप लोग, ये पीपल एज ए रिसोर्स, तो इसके बारे में हम लोगों को किस में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ना, सेकंड चैप्टर में रहेगा। तो हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो हम लोगों को डायरेक्टली नेचर से मिल जा रहे हैं। मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, जो इंसान बनाया है और उस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं किसी न किसी प्रोडक्शन में। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है। मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोडक्शन में या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब देखिए, प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सारे चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है। इन सारे चीजों का कॉम्बिनेशन करेंगे तभी आप कोई चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स का यूज करना होता है, मैन मेड रिसोर्स का यूज करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स का यूज करना है और मनी का यूज करना है, तब हम लोग जाके कोई चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं पालमपुर के तरफ। हम बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोगों को हर चीज किस चीज के थ्रू समझना है, एक गांव के थ्रू समझना है, उस गांव का नाम है पालमपुर। अब पालमपुर कैसा गांव है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जो पालमपुर है ये किस तरीके का गांव है ये हम लोग समझते हैं। देखिए, पालमपुर अगर कहा जाए तो काफी एक अच्छा गांव है। आप अपने दिमाग में एक अच्छे से गांव की इमेज सोचिए, जो गांव आपको लगता हो कि बहुत अच्छा गांव होगा, ठीक वैसा ही गांव है पालमपुर। अब पालमपुर को अच्छा गांव किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि पालमपुर में, जो पालमपुर है गांव है जिसके थ्रू हम लोग ये चैप्टर समझ रहे हैं, इस पालमपुर में ना, यहां की जो रोड है, इस पालमपुर की जो रोड है ये काफी अच्छी रोड है, ठीक है। और ये पालमपुर की जो रोड बनी है ये एक अच्छी रोड है, एक पक्की कॉन्क्रीट की बनी हुई रोड है, पक्की सड़क है, ठीक है। और ये जो पालमपुर की रोड है ये इस तरीके समझिए, मान लीजिए ये पालमपुर की रोड है, ठीक है, ये क्या हो गई, पालमपुर की रोड हो गई। यहां पे है पालमपुर, ये जो पूरा जगह है, ये पूरा गांव है पालमपुर। इस पालमपुर से जो रोड जा रही है ना, इस पालमपुर रोड से अगर आप आगे जाएंगे, अगर इस पालमपुर रोड से अगर आप आगे जाएंगे तो यहां पे आपको एक और गांव मिलेगा, एक और गांव मिलेगा, उस गांव का नाम है रायगंज।
क्या नाम है, रायगंज। इस पालमपुर से एक पक्की रोड जाती है, एक पक्की सड़क जाती है, एक कंक्रीट की बनी हुई रोड जाती है, और इस रोड से जब आप आगे जाएंगे तो एक गांव मिलेगा रायगंज, ठीक है। और इसी रायगंज से थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा टाउन मिलेगा, उस टाउन का नाम है शाहपुर, ठीक है। तो पालमपुर एक काफी अच्छा गांव है। इसको अच्छा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पालमपुर में एक अच्छी रोड है, ठीक है, एक अच्छी रोड है, और वो रोड कंक्रीट की बनी हुई है। हर सीजन में इस रोड का लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी बरस गया तो रोड खराब हो जाएगी, अच्छी रोड है। और ये रोड पालमपुर से आगे जाती है, रायगंज में मिलती है, रायगंज से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक टाउन है, उस टाउन का नाम है शाहपुर, वहां तक ये रोड जाती है, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि पालमपुर एक बहुत ही अच्छा गांव है, एक बहुत ही अच्छी जगह है, तो इसलिए पालमपुर को बोला जा रहा है कि काफी अच्छा गांव है, क्योंकि इस गांव में, ध्यान सुनिएगा, इस गांव में दो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। इस गांव में क्या है, दो प्राइमरी स्कूल है, इसके साथ साथ एक हाई स्कूल भी है, एक हाई स्कूल भी है। अब समझिए प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल क्या होता है। प्राइमरी स्कूल यानी जहां पे आपको एट्थ तक की एजुकेशन दी जा रही है, हाई स्कूल यानी जहां पे आपको टेंथ तक की एजुकेशन दी जा रही है, यानी एलकेजी से लेके एट्थ तक के ऐसे दो स्कूल हैं पालमपुर में। पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल है, मतलब पालमपुर में दो ऐसे स्कूल है जहां पे एलकेजी से लेके क्लास एट तक की एजुकेशन दी जाती है, और एक हाई स्कूल है यानी उस स्कूल में क्लास टेन तक की एजुकेशन दी जा रही है, क्लास टेन तक की एजुकेशन दी जा रही है। तो पालमपुर जो गांव है वहां पे काफी अच्छी रोड है, एक अच्छी सड़क है, उसके साथ साथ इस पालमपुर गांव में दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, ठीक है। और ये जो पालमपुर की रोड है, ये कैसी रोड है, ये एक कॉन्क्रीट की बनी हुई और ये काफी अच्छी रोड है, ठीक है। और इस रोड का यूज पालमपुर के लोग ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए, या हो सकता है पालमपुर से कोई सामान जो है भेजना हो रायगंज या फिर शाहपुर तो वहां भेजेंगे, हो सकता है शाहपुर से या रायगंज से कोई सामान चाहिए पालमपुर में तो इसी रोड के थ्रू आता है ये सामान, है ना। इस रोड पे आपको, इस पालमपुर की जो रोड है यहां पे आपको बुल कार्ट चलता हुआ दिख जाएगा, है ना, टांगा चलता हुआ दिख जाएगा, ठीक। और इस रोड पे आपको मोटर साइकिल जो है चलती हुई दिख जाएगी, जीप चलती हुई दिख जाएगी, ट्रैक्टर चलता हुआ दिख जाएगा, यानी पालमपुर की रोड काफी अच्छी है। और पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, इन सभी के साथ साथ पालमपुर में एक और बहुत अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है, पालमपुर में एक हेल्थ सेंटर भी है। क्या है, हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर मतलब अगर पालमपुर में कोई बीमार पड़ गया, है ना, तो वो आदमी जाके यहां हेल्थ सेंटर में या इस हॉस्पिटल में जाके दिखा सकता है। और ये जो हेल्थ सेंटर है ये गवर्नमेंट चलाती है, यानी यहां पे इलाज जो होता है वो काफी सस्ते में इलाज होता है, काफी कम पैसे में इलाज होता है। दूसरा, इस पालमपुर में एक प्राइवेट क्लिनिक भी है ना, एक क्या है, प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो सोचिए कितना अच्छा गांव है जहां पे तीन स्कूल हैं, दो प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, ठीक है। उसके बाद इस पालमपुर गांव में एक हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, और एक कोई प्राइवेट क्लिनिक भी है जहां पे अगर किसी को हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं अवेलेबल हुए तो प्राइवेट क्लिनिक में जाके दिखा ले, तो काफी ये अच्छा गांव माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर में टोटल इस गांव में 450 फैमिली रहती है। टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितनी फैमिली यहां पे रहती है, तो यहां पे टोटल 450 फैमिलीज रहती है पालमपुर गांव में, टोटल 450 फैमिली रहती है। अब ये जो टोटल 450 फैमिली रहती है ना, इस 450 फैमिलीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये 450 फैमिलीज जो टोटल रह रही है पालमपुर में, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस 450 के 80% जो लोग हैं, सॉरी 80% नहीं, इस 450 में 80 फैमिलीज जो हैं ये अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, ठीक है। ये कैसी हैं, अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, ठीक। और ये 80 फैमिलीज जो हैं,
ये गांव की मैक्सिमम लैंड इन्हीं के पास है, ठीक है। मान लीजिए ये इतना बड़ा गांव है, ठीक है, तो इस गांव का इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन इस 80 फैमिली के पास है। बाकी का जो बच रहा है, बाकी का ये जो इतना एरिया बचा है, ये बाकी के जो 80 फैमिलीज के अलावा जो लोग हैं उनका है, ठीक है। लेकिन 80 फैमिलीज ही जो कि अपर कास्ट की फैमिली है, 80 जो कि अपर कास्ट की फैमिली है, उनके पास गांव की मैक्सिमम लैंड है, ठीक है। और ये जो 80 फैमिलीज हैं, इनके जो घर बने हुए हैं ना, ये पक्के हाउस हैं, ये ब्रिक और सीमेंट के बने हुए हैं, ब्रिक और सीमेंट का यूज करके इनका घर बनाया गया है। तो ये जो पालमपुर था, इसमें टोटल 450 फैमिलीज थी। इन 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपर कास्ट की हैं, जो बड़े लोग हैं, इनका घर जो है ये पक्का हाउस बना हुआ है, ब्रिक और सीमेंट का बना हुआ है। 80% लोग, 80 फैमिलीज जो है, इन्हीं के पास पालमपुर गांव की मैक्सिमम जमीन है, मैक्सिमम लैंड इन्हीं के पास है, ठीक है। बाकी इस 450 में से, इस 450 में से 80 फैमिली तो ये हो गई, बाकी इस 450 की 1/3 फैमिली जो है, इस 450 की 1/3 फैमिली जो है, इनको गांव के कोने में एक जगह दे दी गई है रहने के लिए, ठीक है। गांव के कॉर्नर में एक जगह दे दी गई है कि हाँ भाई आप लोग जाके रहिए। और ये लोग जो हैं, इनकी, ये लोग काफी पुअर हैं, गरीब हैं। इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग दलित लोग हैं, यानी ये लोग लो कास्ट के लोग हैं, ठीक है। ये लोग गरीब लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं, है ना। इनको गांव के कोने में एक जमीन दे दी गई है, थोड़ी सी जगह दे दी गई है कि आप सभी लोग इसी कॉर्नर में ही रहेंगे, गांव के एक कोने में ही रहेंगे, आप लोग मेन गांव में नहीं आएंगे। उसके साथ साथ ये जो 1/3 लोग हैं, इनके जो घर बने हुए, जो इनके हाउस बने हुए हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं, है ना, ये मिट्टी के बने हुए इनके घर हैं। तो गांव में, गांव में क्या था, गांव में टोटल 450 फैमिली थी, जिसमें से 80 फैमिलीज जो हैं ये अपर कास्ट की हैं, इनका घर जो है सीमेंट वगैरह से बना हुआ है, इनके पास गांव की मैक्सिमम लैंड है। और दूसरा, इस 450 फैमिली में से 1/3 फैमिली ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है या फिर लो कास्ट की है। इनको गांव के कोने में एक जमीन दे दी गई है, आप वहीं पे रहिए, वहीं पे आपको रहना है, आप मेन गांव में इंटर नहीं करेंगे। उसके बाद इनका जो घर वगैरह है, ये मड से बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ घर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो अगली चीज है इसमें पालमपुर के बारे में, वो क्या है, देखिए, पालमपुर, ये जो पालमपुर है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े कि यहां की रोड जो है वो काफी ज्यादा डेवलप है, ठीक है। रोड कैसी है, काफी ज्यादा डेवलप्ड रोड है। दूसरा, हम लोग ये पढ़े डेवलप्ड रोड होने की वजह से इस गांव का ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा अच्छा है। इस पालमपुर विलेज का हेल्थ जो है, हेल्थ सेंटर यहाँ पे है, एक हेल्थ सेंटर है जो कि प्राइवेट है और एक हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चला रही है। इस पालमपुर विलेज में स्कूल्स भी हैं, टोटल यहाँ पे कितने स्कूल हैं, दो प्राइमरी स्कूल है और इसके साथ साथ एक जो है हाई स्कूल है, हायर एजुकेशन के लिए एक हाई स्कूल है, ठीक है। इस पालमपुर गांव में टोटल कितनी फैमिलीज थी, देखिए यहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज थी, है ना। पालमपुर गांव में टोटल 450 फैमिलीज थी। 450 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। 80 फैमिलीज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, गांव का मैक्सिमम जो लैंड है इन्हीं के पास है, इनका घर जो है सीमेंट से बना हुआ है, पक्का हाउस है। बाकी 1/3 जो लोग हैं, ये लोग गरीब हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, इनके पास लैंड बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत कम लैंड है। उसके साथ साथ ये ऐसे लोग हैं, ये 1/3 ऐसे लोग हैं जिनको गांव के एक कॉर्नर में जगह दे दी गई है कि आप वहीं पर रहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और है पालमपुर के बारे में जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज क्या है, देखिए, ये जो पालमपुर विलेज है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इस गांव की बहुत अच्छी है, यहाँ पे बिजली बराबर आती है,
और अगर इस गांव की इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है तो यानी इस गांव के जो भी किसान लोग हैं वो लोग आसानी से अपने खेत में इरिगेशन कर लेंगे, आसानी से अपने खेतों में पानी डाल लेंगे। अगर वो इरिगेशन काफ़ी अच्छे से कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी फार्म प्रोड्यूस होगा यानी जो भी क्रॉप होगी वो काफ़ी अच्छे से उगेगी, वो काफ़ी अच्छे से उगेगी। ठीक है, अब आप लोगों का एक काम है, आप लोगों को थोड़ा सोचना है और सोच के आपको ये बताना है कमेंट में, कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि आपके विलेज में, आपका जो गांव है, आप जिस गांव के रहने वाले हैं वहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पालमपुर में हैं, और आपके गांव में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पालमपुर में नहीं है, पालमपुर में नहीं है, या आपके गांव में ऐसी चीजें कौन सी हैं जो पालमपुर में है पर आपके गांव में नहीं है। तो ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा सोच के। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आगे की चीजें। अभी हम क्या बताए थे क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताए थे कि जो पालमपुर गांव है, इस पालमपुर विलेज में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। अब देखिए, जो लोग पालमपुर विलेज के जो लोग फार्मिंग करते हैं, है ना, वो तो हो गए फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व। वो किसमें हो गए, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। पर इस पालमपुर विलेज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग फार्मिंग नहीं किया करते थे, जो लोग क्या करते थे, फार्मिंग नहीं किया करते थे। ठीक है, उन लोगों को क्या बोला गया, इन लोगों को बोला गया कि ये लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी फार्मिंग के अलावा, खेती के अलावा ये लोग जो काम कर रहे हैं उसको बोला गया नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब इस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है कि आपने कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग लगा दी, या आप ट्रांसपोर्टेशन के काम में हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन में हैं, या फिर आप छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या यूनिट चला रहे हैं। इसके अलावा या आप अपनी एक दुकान खोल के रखे हैं, शॉप कीपिंग कर रहे हैं, आप अपनी एक जनरल स्टोर खोल के रखे हैं। तो पालमपुर में, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पालमपुर में दो तरीके के लोग हैं। ठीक है, पालमपुर में दो तरीके के लोग हैं। पहला, जो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पहले जो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खेती करते हैं, ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। दूसरा, जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी ऐसे लोग जो लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा दी है, जहाँ पे वो अगरबत्ती बना रहे हैं या फिर छोटा मोटा पॉट बना रहे हैं, पॉट बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, कप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में हैं। अभी हम आपको बताए थे ये जो पालमपुर गाँव है, पालमपुर गाँव की रोड काफ़ी अच्छी है, है ना, रोड काफ़ी अच्छी है, लोग अक्सर पालमपुर से रायगंज जाया करते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लें हम, जा भाई, हाँ, लोग क्या करते हैं, पालमपुर से रायगंज जाया कर रहे हैं, रायगंज से कुछ लोग शाहपुर भी जा रहे हैं, और शाहपुर से कुछ लोग रायगंज भी आ रहे हैं, और रायगंज से कुछ लोग कहाँ कर रहे हैं, पालमपुर भी आ रहे हैं। यानी इस अच्छे रोड के होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का अच्छा है, तो कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, बुक में आप लोगों का टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे हम जो जो टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं उस टॉपिक को आप वीडियो को पॉज करिएगा, जैसे ही एक टॉपिक हमने खत्म किया और दूसरे टॉपिक पे आए। ठीक है, जैसे अभी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक पे आ गए, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद
अपने टॉपिक को उस बुक से पढ़ लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि पूरा वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए और उसके बाद जो है अपने बुक से इस चीज को पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ पाएंगे। चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगर बात करें हम लोग इस प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का या फिर एम क्या होता है। प्रोडक्शन का एम होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, क्या करना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना या कोई भी चीज को पैदा करना। अब आप प्रोड्यूस क्या क्या कर सकते हैं, तो प्रोड्यूस आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप कोई सामान को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप किसी सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई सामान बना के दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा गुड में, या फिर अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर आपको देख रहा है तो डॉक्टर आपकी सर्विस दे रहा है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। इस चीज को अगले चैप्टर में हम लोग ज्यादा अच्छे समझेंगे, अभी बस आप इतना समझ लीजिए प्रोडक्शन का एम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, और हम लोग दो तरीके की चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहला या तो कोई गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करें, दूसरा या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो प्रोडक्शन का एम क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। अब देखिए प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी चीज या किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं अब, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या मतलब उसी में है कि अगली चीज क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या चीजों को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, दो चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, गुड और दूसरा सर्विसेज। क्या क्या जरूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगले पेज पे समझाते हैं इसको, एक सेकेंड। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या हम बताएं कि चार चीजों की जरूरत होती है। ओके, तो हम लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये चारों चीजें क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए हम लोगों को लैंड। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन का। दूसरा हम लोगों को चाहिए लेबर, दूसरा क्या चाहिए, लेबर। तीसरा चाहिए हम लोगों को फिजिकल कैपिटल, तीसरा क्या चाहिए, फिजिकल कैपिटल। और सबसे लास्ट क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, सबसे लास्ट क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल। यही चारों चीजों को बोला जाता है, इन्हीं चारों चीजों को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो जो सबसे पहली चीज है यह है लैंड, ठीक, दूसरी जो चीज है यह है लेबर, तीसरी जो चीज है यह है फिजिकल कैपिटल, और चौथी जो चीज है यह है ह्यूमन कैपिटल। अब इन चारों चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो है लैंड है, ठीक है, लैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लैंड के साथ साथ, ठीक है, लैंड के साथ साथ हो सकता है वाटर, ठीक है, फॉरेस्ट या मिनरल, इन सारे चीजों की भी रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है, कोई आदमी है, ये खेती कर रहा है, इसको खेती करने के लिए लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, जमीन के बिना कहां खेती कर पाएगा, है ना। उसके अलावा इसको क्या चाहिए, लैंड के अलावा इसको चाहिए वाटर, पानी, इरिगेशन करने के लिए, खेत की सिंचाई करने के लिए। दूसरा हो सकता है इसको मिनरल्स वगैरह चाहिए हो, है ना, खाद या फर्टिलाइजर जिसको बोला जा रहा है। तो मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी है लेबर। ठीक है, लेबर मतलब वो लोग, वो पीपल्स, वो आदमी या वो लोग जो आपके प्रोडक्शन करने के लिए काम करें, आपको जो भी चीज प्रोड्यूस करना है उसमें जो लोग काम करेंगे आपके साथ उनको बोला जाएगा लेबर। फॉर एग्जाम्पल
ये एक फार्मर था, ये एक किसान था, इसके पास जमीन है, इसके पास ये इतनी बड़ी जमीन है, तो इतने बड़ी जमीन पे ये किसान, एक अकेला किसान तो अकेले काम करेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये चार पांच लोगों को बुला के लाएगा, ये चार पांच लोगों को बुला के लाएगा, कहेगा कि काम करो, चलो तुम मेरे इस जमीन पे काम करो, खेती करवाओ, उसके बदले में हम तुमको जो है पैसा दे देंगे, ठीक है, उसके बदले में हम तुमको पैसा दे देंगे। तो यही जो लोग काम करेंगे, यही जो लोग काम करेंगे, इन्हीं को क्या बोला गया है, इन्हीं को बोला गया है लेबर। तो लेबर कौन होते हैं, वो आदमी या वो लोग जो काम करते हैं आपके प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो लोग काम करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है लेबर। अब देखिए यहां पे जो लेबर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इनको दो तरीके का रखा गया है, दो पार्ट में इनको बांटा गया है। सबसे पहले जो है, पहले जो है वो लोग जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, जिनको बहुत ही ज्यादा हाई नॉलेज है, इनको क्या है, ऐसे काम करने के लिए जिसमें बहुत ज्यादा हाई नॉलेज चाहिए होती है, हाई एजुकेशन चाहिए होती है, हाई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उनको बुलाता है, एक तरीके के लेबर ये होते हैं। दूसरे तरीके क्या होते हैं, जिनको खाली मैनुअल वर्क करना रहता है, मतलब एक बार बता दिया गया, ठीक है, उसी काम को वो करते जा रहे हैं बार बार। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन या हाई रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, वो क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, वो कंपनी जो है बिस्किट बनाती है, या इससे भी अच्छा एग्जांपल ले लिए, कोई कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर तो वही लोग बना पाएंगे जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, है ना, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, तो इन लोगों को, ये लोग एजुकेटेड होते हैं, इनको एजुकेशन की जरूरत रहती है, ठीक है, ये एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा हाई नॉलेज होती है उस चीज की, तो एक टाइप के तो ये लोग हो गए, पहले ये लोग हो गए। दूसरे मैनुअल वर्कर्स, यानी यहां पे ले लीजिए आप फार्मिंग का एग्जांपल, ये जो चार लोगों को उठा के लाया गया था कि चलो बेटा तुम लोग खेती करो, इन चारों में से किसी एक को यहां खेत में काम करना सिखा दीजिए, ठीक है, इसको किसी एक को काम करना सिखा दीजिए, ठीक, फिर दूसरे को बता दीजिए कि तुमको ये काम करना है, फिर तीसरे को बता दीजिए कि तुमको ये वाला काम करना है, फिर चौथे को बता दिया जाए कि तुमको ये काम करना है, एक बार बस इनको मैन्युअली करके बता दो कि हाँ तुमको इस तरीके से ये काम करना है, तो फिर उसके बाद ये चारों मिलके पूरा काम कर डालेंगे। इसके लिए इनको बहुत कोई ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से एक आदमी को इससे बोला गया कि खेत में जितनी गंदगी है इसको साफ कर दो, ठीक है, इस खेत में जितनी भी गंदगी है या जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करना है, तो इस वेस्ट मटेरियल को साफ करने के लिए इस आदमी को क्या बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, नहीं, इसको मैन्युअली बस एक बार समझा दिया गया, बता दिया गया है, तो अब ये कर ले जाएगा। तो लेबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहले जो काफी ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, एक वो चाहिए होते हैं, और दूसरा एक मैनुअल चाहिए रहते हैं जो कि किसी एक काम को ही बार बार करते जाएंगे, ठीक है, किसी एक काम को बार बार वो करते जाएंगे, और उसके लिए उनको कोई बहुत ज्यादा हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेबर वाला समझ में आ गया होगा, और लेबर के बिना प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, तो लेबर तो कंपलसरी है, ठीक। आप लोगों को लैंड समझ में आ गया, लेबर समझ में आ गया, अब हम लोग चलते हैं फिजिकल कैपिटल के लिए, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी जो होता है ये दो तरीके का होता है, ठीक है, फिजिकल कैपिटल भी जो है ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा जो होता है ये होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल और मनी, ठीक है। पहला कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसी चीजें जो एक बार खरीदेंगे और वो काफी टाइम तक यूज होंगी, काफी लंबे टाइम तक के लिए आप खरीद लिए, आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। जैसे आप कोई मशीन खरीद के लाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसान है, खेती कर रहे हैं, तो आप ट्रैक्टर खरीद के लेके आए, तो ट्रैक्टर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, आप एक ही बार खरीद के लाए, आप जब तक खेती करेंगे तब तक वो आपका यूज में आएगा, ठीक है। या फिर आप कोई टूल खरीद के लेते आए, ठीक है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग बनवा ली, तो ये सब क्या हो जाएगा,
जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसा लगाया और वो काफी टाइम तक आपके यूज में आएगा, जब तक आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो सकता है तब तक, ऐसे चीज को बोला जाता है फिक्स कैपिटल। ठीक है, ऐसे चीज को क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल बोला जाता है। ऐसी चीजें, ऐसी मशीन, टूल या बिल्डिंग जिसको आप काफी लंबे टाइम तक यूज करेंगे, जो आपके प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल करेगा आपको, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल बोला जाएगा। जैसे कि मशीन हो जाएगा, टूल हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा। फिर दूसरा जो होता है, ये होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, दूसरा क्या है? रॉ मटेरियल और पैसा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, आप कोई भी काम करें, ठीक है, उसमें आपको पैसा चाहिए होता है। तो पैसा और रॉ मटेरियल, ये दोनों बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल, अगर आप कपड़ा बना रहे हैं, अगर आपके पास कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो आप सिल्क लेंगे, है ना, कॉटन लेंगे, तो सिल्क और कॉटन क्या हो जाएगा? आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। अब आप सिल्क से, हो सकता है सिल्क की साड़ी बना दें, है ना, या हो सकता है आप इस कॉटन से कॉटन की टी शर्ट बना दें या शर्ट बना दें, है ना, तो ये सब आपकी क्या हो जाएगी? ये सब हो जाएंगे आपके रॉ मटेरियल। ये सब क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या है? दूसरा है मनी। दूसरा क्या है? दूसरा है मनी। मनी क्या होता है? मनी भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, पैसा भी बहुत ज्यादा यूजफुल चीज होता है किसी भी प्रोडक्शन में, है ना, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में पैसा भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। बिना पैसे के आप इन लेबर्स को तो सैलरी दे नहीं पाएंगे या वेजेस दे नहीं पाएंगे, आप बिना पैसे के इनको वेजेस दे नहीं पाएंगे। अगर आप इनको वेजेस नहीं दे पा रहे, अगर आप इनको पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये काम करेंगे नहीं। तो मनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब सबसे आखिरी बात करें तो वो है ह्यूमन कैपिटल। ये जो ह्यूमन कैपिटल है, इसको हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको ये एकदम नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर पूरा ह्यूमन कैपिटल के ही ऊपर बेस्ड है। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है लैंड है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े लेबर, है ना, जो लोग काम करेंगे हमारे प्रोडक्शन में हेल्प के लिए। और दूसरा होता है फिजिकल कैपिटल। तीसरा क्या था? फिजिकल कैपिटल था। और उसके बाद चौथा क्या था? चौथा था ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं सबको एक साथ बोला जाता है, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन्हीं सबको एक साथ क्या बोला जाता है? इन्हीं सबको एक साथ बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको लिखना होगा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। लैंड क्या होता है ये भी हम आपको अच्छे से समझा चुके, लेबर क्या होते हैं ये भी अच्छे से समझा चुके, फिजिकल कैपिटल क्या होता है ये भी अच्छे से बता चुके, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये आप अगले चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर से हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।